संपर्क में कम से कम 10 से 15 गलत टाइप की औरतें हैं, जिनसे वो बार बार जो है बलात्कार का केस या अन्य केस करवाते रहते हैं। चांदपुरा में जितना दारू सेल होता है, चांदपुरा में पूरे बिहार में उतना सेल नहीं होता। तो दारू क्या है नहीं है वो मुखिया जी जाने, मुखिया जी के बर्दाश्त से चलता है, और जो उनका बात नहीं मानता उनको फंसाते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूँ पंकज भट्ट। पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब सातवें आसमान पे चढ़ के बोल रही है। इसी कड़ी से जुड़ते हुए हम पहुंच गए हैं सदर प्रखंड के चांदपुरा पंचायत में। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये वो पंचायत है जहां लोग किसी भी तरीके की बात करने से घबराते हैं। ये वही पंचायत है जहां 20 साल से एक परिवार का शासन रहा है। जी हां, ये वही पंचायत है जिस पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग व्यवस्था यानी शैक्षणिक व्यवस्था सबसे मजबूत स्थिति में है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं चांदपुरा के, साथ में प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी अरविंद कुमार शाह भी हैं और उनके समर्थक हैं, और इधर हमारे माताएं बहनें हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोग घबराए से दिखाई देते हैं चांदपुरा। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रमोद सहनी। बताइए कि क्यों घबराहट क्यों है चांदपुरा में लोगों में? लोगों में तकरीबन 20-25 वर्षों से जो है स्थिति है, जो एक व्यक्ति के ऊपर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से बर्दस्त रहा है, खास करके सुरेंद्र सहनी के ऊपर, जिसके कारण उनकी बात न मानने वालों पर विभिन्न प्रकार के कई मुकदमा कराए गए हैं। लोग उनके भय से कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, इसी डर की भावना से, केस मुकदमा फंसाने के डर से, लाभ के वंचित के डर से उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। लाभ से वंचित कहने का मतलब कि योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है? योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उनको वोट देंगे उनको ही लाभ देंगे, और वोट देंगे भी अगर कोई किसी बात पर उनको सही सलाह देंगे लाभ से वंचित कर देते हैं। अच्छा, ये हम माताएं से बात करते हैं। माता जी, आपको पेंशन उंशन मिलता है? हाँ, हमरा मिलता है। मिलता है। मुखिया जी कुछ मदद उदद करते हैं? नहीं, हमरा नहीं कुछ मदद, नहीं खाली पेंशन मिले छे उतने देर को बस। हाँ। कभी बात हुई है मुखिया से? नहीं, हमरा उनका कुछ बात कोनो बात होले के हा गेलिए तो वो बात हमरा आर कुछो नहीं कलके। घर गिरल धन मनाल छे से कलखिन तो घर ले की करब। आप बताइए कि आपको कभी पता चला है? हम लोग कभी मुखिया जी को हेल्प मांगने गए, कभी कुछ भी हम लोगों को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलता है तो पूछना चाहिए ना आपको। जाते हैं कोई एक साइन के लिए भी जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम बाद माना कल आना कल कर देंगे, बस इसी तरह जाते हैं। 2-3 बार गए वापस हो चले हैं। अच्छा बाबा, आपको पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन तो मिलता है। लेकिन कौन, मुखिया जी ने दिए? जी नहीं, तब हमको मुखिया नहीं दिए। उनको यहाँ जब गए ना कागज पत्र बना के, तो वो कहा कि जे वो जो क्या नाम है परमो अति उसका भाई का इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है अशोक उसका आदमी था, तो हमको उसमें बैठाना था वोटर लिस्ट आईडी कार्ड, तो उसको भेजा मुखिया जी वहाँ जाइए आ दे देगा। वहाँ गए तो हमको देखा, कहा कि पढ़ लिया कागज, कहा जे नहीं नहीं तोरा वोटर आईडी कार्ड देबो हम लिख के जहाँ जहाँ मन से तहाँ से बनाए लगे। उसी खीस के मारे हम चले गए रामराज यहाँ हम जा कर के वोटर लिस्ट उतरवा के बनवाए और बासिए मुँह ब्लॉक गए, ब्लॉक में दिए, हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा। मतलब पंचायत से आपको नहीं कोई सहयोग नहीं? सुरेंद्र कोई सहयोग नहीं मिला? अच्छा, आप लोग को कुछ मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। तब ऐसा मुखिया क्यों चुनते हैं? हमारा मालिक का उम्र पूरा 67 वृद्धा पेंशन देबे। आज तो मुखिया नहीं है वो, तो पिछले 20 साल से मुखिया, क्यों आप लोग देते हैं ऐसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, हमारा नहीं दे, खाली वृद्धा पेंशन कत्ते गोरदारी पकड़ सो वृद्धा पेंशन दे छथिन, कुछ नहीं, कुछ नहीं कॉलो नहीं हमारा देखिन।
आपको कुछ मिलता है? ना हमें कुछ नहीं मिलता है, खाली घर उजरल कुत्ता वाला ढुकता है से घर कहता कि हम पैसा पर वोट लेते हैं, हम नहीं जानते हैं, हमको घर नहीं मिलता। पैसा पर वोट देते हैं? ना हम पैसा जाकर वोट लेते हैं। अच्छा, आपको नहीं है ना? कुछ नहीं देती, हम गरीब आदमी, कुछ नहीं मिला। कभी मिले हैं? हम कहाँ से घर बनाएंगे? ये स्थिति है जो लोग अभी बोल रहे हैं, अगर वस्तु स्थिति यहाँ परिवर्तन की बयार अगर नहीं चली तो हो सकता है जिस तरीके का भय का माहौल है, उस भय के माहौल में इन लोगों को और भी किसी प्रकार की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। मैं अब मुखातिब होता हूँ अरविंद कुमार शाह जी से, जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं, प्रतिनिधि प्रत्याशी कहिए या प्रत्याशी कहिए। अरविंद जी, आप कितना अच्छा आपका शॉप है, दुकान है, कपड़े का बिजनेस है, आपको राजनीति में आने से का कैसे इरादा हो गया? सबसे पहले मैं बीटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने मुझ जैसे साधारण लड़का को एक पंचायत का अहम लड़का समझ के, अहम उम्मीदवार समझ के आज हमारे पास आए मेरे विचार लेने के लिए। तो मेरा पूरे पंचायत और यहाँ के 8-10 पंचायत जानता है कि यह चंद नरेश वस्त्रालय 15 साल से है, और एक एक माता बहन बड़े सभी जानते हैं कि अरविंद सभी चीज़ें परिपूर्ण है, उसका व्यापार भी अच्छा है सारा चीज़। कुछ लोग हैं जो उनका मंशा था कि नहीं चांदपुरा में बदलाव हो, और बहुत सारे सैकड़ों के नहीं, जैसे महिला लोग अभी बता रही हैं, माताएँ कि कुछ मिलता नहीं है, बोलने जाते हैं तो शाम को आओ सुबह को आओ, ये सब तरीके का कहानी होता है। अभी एक बाबा बता रहे थे पेंशन के विषय में कि उनको भी बहुत लफड़ा लगा। आपके क्षेत्र में लोग बोल नहीं पाते हैं। उसी के बारे में बोल रहे हैं हम। जैसे हम 15 साल से व्यापार कर रहे हैं, 15 साल से ग्रामीण क्षेत्र में मर्द से ज़्यादा महिला का मार्केटिंग होता है। महिला लोग जो आती थी हमारे दुकान में, वो लोग सारे अपने कष्ट बताती थी कि बउआ हमारा ई नहीं होले, बउआ जैसे भी हो बेटा बउआ या जो भी है, वो हमको बोलते थे वो लोग। ये चीज़ सारा चीज़ सुनते 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 हम लोग अपने आप, कुछ लड़का जो है हम लोग टीम से लड़ रहे हैं, ना कि अकेला सिंगल सिर्फ अरविंद लड़ रहा है, ये नहीं, हमारा एक टीम समूह है मेरे साथ लड़ने वाला, वो सारा समूह का ये हुआ कि नहीं अरविंद हम लोग एक समाज का व्यापार, तो सारा अपना हम लोग व्यापार कर रहे हैं, सारा स्टेब्लिश हम लोग कमाने खाने के लिए, लेकिन उसका उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं हम लोग समाज में आके समाज की भलाई के लिए चुनाव लड़े, और उसके लिए हम लोग पूरे चांदपुरा की जनता पूरे समर्थन भी दे रही है और आशीर्वाद दे रही है और प्यार दे रही है, और भगवान चाहा और आप लोग का आशीर्वाद ला तो इस बार जीत भी निश्चित होगी हम लोगों को। जीतने का दृढ़ संकल्प आप ले चुके हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमारे चांदपुरा गाँव का भविष्य बनता है बच्चों से। हमारे चांदपुरा में जो प्रतिनिधित्व 20 साल से कर रहे थे, वो हमारे चांदपुरा गांव के दो दो हाई स्कूल है, सबसे बड़ा सौभाग्य चांदपुरा गांव की है। जैसे आप शिक्षण की बात कहें, यहाँ शिक्षण संस्थान बहुत सारे हैं, तो उसी तरह मेरे हिसाब से लगता है पूरे बिहार में एक पहला पंचायत वो जहाँ दो दो हाई स्कूल है, वो भी प्लस टू स्कूल है। वो दोनों हाई स्कूल का जो स्थिति देखिएगा जाके, कहिएगा तो हम अभी घुमा आप लोग साथ ले चलते हैं, दोनों हाई स्कूल मेरा जर्जर है। सबसे पहला काम रहेगा कि हम अपने हाई स्कूल को तैयार करके हम अपने बच्चे का भविष्य तैयार करें। मेरा मेन मकसद है, मेरा मुख्य मकसद है कि हम अपने गांव का भविष्य तैयार करें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा खूब गिफ्ट में दे रहे हैं लोगों को जीतने के लिए। जिनको कहना है वो कहते रहें, अरविंद क्या है, वो सभी अरविंद सभी के दिल में बसा हुआ है। अब अरविंद वो नहीं रहा कि अरविंद मतलब पैसा बांट रहा है, रुपया बांट रहा है, कौन बांट रहा है, सभी के दिल में बसा हुआ है यहाँ अरविंद। कितना भी अफवाह फैलेगा, अरविंद के बारे में बहुत सारा अफवाह फैलना शुरू हो गया जब से चुनाव लड़ा। अरविंद को 15 साल से जान रहा है चांदपुरा, चांदपुरा ही नहीं पूरे 8 पंचायत आसपास के सारा पंचायत अरविंद को जान रहा है। क्या अरविंद है, वो सारी का अफवाह है, क्या अफवाह है, वो सब जितना मेरे लांछन डालेंगे वो उल्टा उन्हीं पर चला जाता है जो डालते हैं। आज 15 अगस्त के दिन हम लोग एक बैठक करवाए थे, जहाँ वहाँ हजारों की संख्या में मेरे बैठक में आए, हजारों की संख्या में आए, वहाँ सिर्फ कुछ गार्जियन स्वरूप लोग का हुआ कि 15 अगस्त के दिन हम जलेबी और लिट्टी खिलावे, हम लोग का टीम हुआ कि नहीं सब चंदा करके हम लोग खिला दिए। लिट्टी जलेबी साधारण सा चीज़ है, और यहाँ तो भोज का पैकेट बने खिलाया जा रहा है चंदपुरा में, एक एक जनता जान रहा है क्या हो रहा है चंदपुरा में। दारू और नहीं चलता, और लग रहा है कि वो भी चलता है, जब अभी चांदपुरा में जितना दारू सेल होता है चांदपुरा में पूरे बिहार में उतना सेल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, हमारे से भी एक महोदय ने शिकायत की है इस बात को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, हमको मिले भी हैं, हमारे पास वीडियो भी है उनका, विजुअल भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि
कि कुछो होय भाई नहीं हो, दारू केना बंद होते। क्या दारू वास्तव में आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा है क्या? हम तो सर 2010 में रिटायर किए सिटेंस इंजीनियर से खगड़िया से, लेकिन उस समय से जब से आए हैं तो दारू क्या है नहीं है वो मुखिया जी जाने, मुखिया जी के ब्रदर्स से चलता है, और जो उनका बात नहीं मानता उनको फंसाते भी हैं। एक दो को दारोगा भी मंदा रहा है शर्मा जी, जो उनका बात नहीं जी, आपको फंसने का डर नहीं? नहीं, हमको तो डर नहीं है सर, चूँकि एक बार हम उनके यहाँ गए थे किसी काम से, उनसे हम बुजुर्ग हैं, उम्र भी ज़्यादा हैं, 72 वर्ष हो रहा है, तो कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, एक कुर्सी पर लात रखे हुए थे, बैठने के लिए भी नहीं कहे। जिस काम से हम गए वो कहे तो सरपंच का काम है, जबकि उन्हीं का हाथ था। तो उस दिन से हम संकल्प ले लिए कि नहीं इनको हटाना है, ये बुजुर्ग लोगों को भी रेय कहते हैं। अभी अरविंद खड़ा हुआ तो हाथ जोड़ कर सबको प्रणाम करते चलते हैं, जो 20 साल से शासन किया, अगर 20 साल शासन करते तो आज क्या हुआ जो हाथ जोड़ चल रहे हैं? वो बहुत बड़ा क्या कद कुशासक हैं, जिसका हम लोग पढ़े लिखे जितने बुजुर्ग हैं सब विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में बदलाव निश्चित है, परिवर्तन हो हर हाल में। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि हम लोग गाँव में भी घूमते हैं, और जब प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो उसमें संख्या के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, और बदलाव जरूरी भी है। बदलाव जरूरी जरूरी भी है, बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र सहनी को हराना किसी बच्चों का खेल, ऐसा राजनीति में ऐसा कहना किसी के बस से बाहर की बात हुआ था। उनसे कोई डरता था, कोई खराब ही नहीं होता था, ये हिम्मत करके सब लोग। वर्तमान समय में जो है वो कुछ बिचौलियों से सिर्फ घिरे हुए हैं, दो तीन बिचौलिए हैं उनके अंदर। अगर आप वो कह देंगे कि अमुक आदमी ने आपको वोट नहीं दिया, चाहे आप गरीब हों, अमीर हों, या जो भी है, आपको जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगा। उनका सीधा कहना है कि आप मेरे अंदर रहिए, अगर हमसे आप हटते हैं, हमसे किसी भी कारण से हटते हैं, तो ना सिर्फ आप पे मुकदमा होगा, बल्कि और भी बहुत सारे उनके संपर्क में कम से कम 10 से 15 गलत टाइप की औरतें हैं, जिनसे वो बार बार जो है बलात्कार का केस या अन्य केस करवाते रहते हैं। इसके डर से कोई भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि चांदपुरा की वर्तमान स्थिति जो अभी बता रही है, जो आप जब चलेंगे ये भी टोकते हैं कि आप उसके मीटिंग में क्यों गए, लोगों को फ़ोन ही नहीं, धमकी मिलता है कि अगर आप जाते हैं तो आपका ये चीज़ कर दिया जाएगा, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। तो ये स्थिति बता रही है अभी कि निश्चित रूप से बदलाव होगा, बदलाव होगा। एक बात सामने निकल करके आई है, महिलाओं को खूब आज़ादी नहीं है क्या इस पंचायत में? महिलाओं के मुखिया तरफ से तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो कि हम इंदिरा आवास को फंद आए थे, तो इंदिरा आवास को फंद आए थे तो हम गए थे मुखिया जी के घर पर, तो कहें कि जो तुम कहाँ आया है, कहिए ऐसे मत बोलो कहाँ आया है, हैं कोई काम से आया है, तो कल के कि कोई काम से आया, तुमको घर बुझता है कि घर में एलमेस्टर डाला हुआ है, तो ढलाई करने खातिर रुपया मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, क्या कि 10 वार्ड में हमको कोई महिलाओं में मुखिया में वोट नहीं दिया है, वोट दिया है तो मतलब गाली दे कहलखिन, वोट नहीं दिया है, हम रुपया पर खरीदे हैं, हैं तो 10 वार्ड का हम मुखिया नहीं, कहाँ से देंगे हम, जाइए प्रमोद सहनी को मांगिए, अगर प्रमोद सहनी को जाते हैं नॉमिनेशन में घूरने के लिए तो वो तुमको मुखिया है, तो जाइए प्रमोद सहनी को कहिए मांगिए, तो हम कहें कि प्रमोद सहनी को जाएंगे तो आप मुखिया बने कि नहीं बने, वोट दिया नहीं दिया, तो कहलखिन कि क्रिया खाएगा, क्रिया खाएगा तुम, हाँ हमको वोट दिया, कहिए काहे क्रिया खाएंगे। जिस पंचायत का प्रतिनिधि ये कहे कि हम पैसा दे करके वोट लिए हैं, तो उस पंचायत की जनता को ये याद रखना चाहिए कि पैसा बांटने वाला, शराब परोसने वाला, भोज खिलाने वाला आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। वो कल फिर आपको कहेगा कि आपसे मैंने फ्री में वोट नहीं लिया है और ना ही आपने मुझे दिया है, मैं आपका काम नहीं करूंगा। और सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि वोट आप उसे दें जिसका कंधा मजबूत हो। एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब होते हैं अरविंद जी, सारे लोग बहुत समर्थन में आपके हैं, क्षेत्र में भी मैं गया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आपका, हाँ बहुत प्यार मिल रहा है। आपको लगता है कि इतनी सारी जवाबदेही झेलने में आप सक्षम? सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल से
एक व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं। आप ये जानिए, मेरा एक व्यापार होता बहुत बड़ा होता है। जब 15 साल से एक लगातार हम व्यापार कर रहे हैं, पूरे समाज को लेते हुए चले रहे हैं, उसमें बहुत सारा बात होता है व्यापार में। जब इतना मुझ में खुद विश्वास, पूरा आत्मविश्वास है कि मैं तो जो जिम्मेवारी लूँगा ही लूँगा, लेकिन अपने जिम्मेवारी को अपने पंचायत के महानुभव के साथ भी बांटूँगा। उसमें ये नहीं हुआ कि अरविंद मुखिया बना, नहीं, अरविंद अभी भी मैं कह रहा हूँ अरविंद मुखिया नहीं, अरविंद आपका बेटा बनने के लिए आया है। अरविंद मुखिया नहीं, और आपका बेटा बन के आपका जिम्मेवारी लेगा, आपका बड़ा भाई बन के जिम्मेवारी लेगा। बेटा आप वोटे लेने तक रहिएगा ओकर बाद? नहीं नहीं नहीं, मेरे स्वभाव को आज ऐसा नहीं कहा चुनाव लड़ने चले तो अरविंद आज बेटा बन गया है। आज मेरे बारे में 15 साल से लगातार जाने को वो अरविंद बेटा था, बेटा है और बेटा बन के ही रहेगा। मैं अभी भी जहाँ वोट मांगने जाता हूँ वहाँ मुखिया के नहीं जाता हूँ, बेटा छिए बेटे बन के आशीर्वाद मांगे छिए, इसी के लिए आया। बेटा बन के रहेंगे और इस पाँच साल में जो काम करके दिखाएंगे, अगले 5 साल सिर्फ आशीर्वाद लेंगे, वोट नहीं मांगेंगे यहाँ की जनता से। अगले 5 साल सिर्फ आशीर्वाद मांगने के लिए निकलेंगे, वोट मांगने के लिए नहीं निकलेंगे। ये जनसंवाद में वादा है कि अगली वर्ष, अगर आप इस वर्ष हमें आशीर्वाद देते हैं तो अगले वर्ष सिर्फ हम आशीर्वाद मांगने आएंगे, वोट मांगने नहीं आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है अपने कामों को लेकर के, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के और अपने को समाज में समर्पित करने के लेकर। तो हम एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि मुखिया चुनिएगा बाद में, इस बार आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी सौंपें जो आपके पंचायत को बेहतरीन ढंग से लेकर के चल सके, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों में आपस में प्यार कम से कम बांट सके। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।